हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, ये जो चाइना की कंपनी जो इंडिया में रिसेंटली आई है, टेनोर करके, 10.ROR, मतलब टेनोर बोलते हो या स्पेलिंग स्पेल भी कर सकते हो, बट यहाँ पर ये जो कंपनी ने जो अभी रिसेंटली जो दो स्मार्टफोन लॉन्च करे थे, बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन थे 7 से 8 हज़ार के लिए, बट ये कंपनी ने आज नया स्मार्टफोन लॉन्च करा है जिसका नाम है टेनोर जी करके, जी सीरीज का फ़ोन है। तो उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला, बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये टेनोर जी की प्राइसिंग की। तो यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च करा है दो वेरिएंट। यहाँ पर जो 32 GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग रखी है कंपनी ने 11,000 रुपये, और जो सेकंड वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग रखी है 13,000, जिसमें आपको 4GB RAM 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो प्राइस को देखते हुए अच्छी कंपनी ने जो स्पेसिफिकेशन दी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बट फिर भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बिलो डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आपको मेटल का यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिलेगा, टॉप और बॉटम में आपको प्लास्टिक का पोर्शन मिलेगा। और ये डिज़ाइन की बात करें तो लगभग आपको लेनोवो K8 Plus या K8 Note बोल सकते हो, उसी की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में लेनोवो K8 जैसा ही रहने वाला है, तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, मतलब प्राइस को देखते हुए डिसेंट से आपको बिल्ड क्वालिटी ये फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं ये फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5.5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले, 2.5D कर्व ग्लास दिया हुआ है, 401 पिक्सल पर इंच की मिलेगी आपको, और यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर अच्छी बात है, फुल HD डिस्प्ले प्लस गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करी कंपनी 11 से 13 हज़ार में, तो अच्छी बात है, थम्स अप टेनोर। बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 626 का प्रोसेसर, जी हाँ 625 नहीं 626 का प्रोसेसर मिलेगा, और आपको एड्रीनो का 506 का GPU मिलेगा। तो यार इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और 625 और 626 में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड थी 625 में आपको 2.0 GHz पे मिलती थी, यहाँ पर आपको 2.2 GHz पे क्लॉक स्पीड करा गया है, तो अच्छी बात है, परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा और GPU भी बहुत ही अच्छा है, तो गेमिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड GPU ऑल्सो दिस फोन इज प्रीटी गुड। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर आपको 3 GB का RAM 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला मिलेगा, और एक वेरिएंट आपको जो 4 GB RAM 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है। तो ये डुअल सिम देते तो बहुत अच्छा रहता, बट फिर भी आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, ये मेरे को आपको बताना था। यहाँ पर बात करते हैं फ़ोन के हाईलाइटिंग फीचर की। तो यहाँ पर कंपनी ने बैक में आपको डुअल कैमरा का सेटअप दिया है, तो अच्छी बात है, ये प्राइस पॉइंट पे हमें कोई प्रोवाइड करे, बहुत से ब्रांड प्रोवाइड करे, लेनोवो K8 Plus भी है और Xiaomi Mi A1 वगैरह थोड़ा प्राइस बढ़ा के भी आपको दे रहे, बट यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको बैक में दो कैमरा मिलेंगे, दोनों कैमरा 13 MP का है, एक कैमरा प्राइमरी कैमरा है जो वो है RGB सेंसर, और सेकेंडरी जो है मोनोक्रोम सेंसर। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि यहाँ पर दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर कंबाइन होकर आपको नेचुरल क्वालिटी की पिक्चर देंगे, और अपर्चर इसमें आपको 2.0 का मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16 MP का फ्रंट कैमरा LED फ्लैश के साथ में, तो अच्छी बात है कि फ्रंट कैमरा में भी इस बार किसने फोकस करा है, तो अच्छा है कि ओवरऑल हमें बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा डेफिनेटली ये फ़ोन का अच्छा रहने वाला है। बट रियर कैमरा भी आपको डे लाइट में अच्छी इमेजेस दे देगा, बट लो लाइट में कैसी इमेजेस आती है, कैसा ओवरऑल परफॉर्म करता है स्टेबलाइजेशन वगैरह, वो तो फ़ोन आने के बाद ही पता चलेगा। तो ऑन पेपर तो मुझे दोनों कैमरा अच्छा लग रहा है, बट रियल लाइफ में कैसा आएगा वो तो थोड़ा बहुत रिव्यूज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। और बात करते हैं यहाँ पर ये फ़ोन के सेंसर्स की। तो यहाँ पर आपको सभी तरीके के सेंसर देखने को मिल जाएंगे, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, कंपास, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक में कैमरा के नीचे देखने को मिलेगा, जैसे कि लेनोवो K8 Plus और लेनोवो K8 Note में देखने को मिलता है। तो अच्छी बात है कि यहाँ पर सेंसर में भी कोई भी सेंसर कंपनी ने स्किप नहीं करा है, तो अगेन थम्स अप टेनोर जी। बात करते हैं यहाँ पर बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पर भी कंपनी ने हमें निराश नहीं किया है, यहाँ पर भी आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मतलब 626 को देखते हुए आपकी लगभग मॉडरेट टू नॉर्मल यूज़ पर 1.5 दिन तो आराम से चल जाएगी, तो बैटरी लाइफ में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, जैसा कि प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 3 GB वाले का 11,000 है और जो 4 GB वाला उसका 13,000 प्राइस है। तो क्या ये फ़ोन आपको ये प्राइस पॉइंट पर लेना चाहिए, तो यार डेफिनेटली ये प्राइस पॉइंट पे मुझे ओवरऑल ये एक पैकेज लगा है, जैसा आप बोलते हो ना परफेक्ट फ़ोन, तो ये परफेक्ट फ़ोन के नज़दीक आता है, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है, डिस्प्ले भी आपको अच्छा मिला है फुल HD का गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोडक्शन के साथ में, यहाँ पर रैम और स्टोरेज भी ठीक है, बट हाइब्रिड लिया हुआ है, बट फिर भी ठीक है प्राइस को देखते हुए। यहाँ पर आपको जो
मेन जो प्रोसेसर है वो भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ, ऐसा नहीं है कि मीडियाटेक का कोई भी प्रोसेसर डाल के दे दिए 6750 6753, बट यहाँ पर अच्छा आपको डिसेंट सा जीपीयू भी मिलता है 506 का। यहाँ पर कैमरास भी बहुत ही डिसेंट दिया हुआ है, डुअल कैमरा, फ्रंट कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, कैमरा भी सेंसर्स भी आपको सभी मिल रहे हैं, प्लस आपको बैटरी लाइफ भी 4000 mAh की है। तो यार ओवरऑल ये अच्छा फ़ोन लगा है, 4000 में आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए, पता है बहुत सारे ब्रांड मतलब कंपेयर करें। तो यार मैं आगे भी आपको कंपैरिजन की एक वीडियो दे दूंगा कि जो भी इसके प्राइस पॉइंट के नज़दीक है, तो मैं आपको अच्छे से कंपैरिजन वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो अभी के लिए मैं ये फ़ोन को रेकमेंड करता हूँ, डबल थम्स अप फॉर टेनोर। बहुत ही अच्छी मतलब ऐसी कंपनीज होती है जो मतलब फ़ोन लेने भी मज़ा आती है और यूज़ करने भी मज़ा आती है, तो मतलब कम प्राइस पॉइंट पे ओवरऑल एक पैकेज देते हैं, तो मुझे यही लगा ये ओवरऑल एक पैकेज कंपनी दे रही है। बट खाली कैमरा कैसा रहने वाला है वो देखना बाकी है, वो तो रिव्यूज़ आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ओवरऑल तो मुझे अभी के लिए फ़ोन बहुत ही अच्छा लग रहा है, 11000 और 13000 में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस ये आप बोल सकते हो अभी के लिए। तो गाइस यही था टेनोर जी का मेरा ओपिनियन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हो फिर से किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।